सुनाने गए थे? नहीं नहीं कोई नाराज हो नहीं, मैं उनके साथ उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए आया था। अच्छा, कोई नाराज होके नहीं गए। विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी जी को चुना गया है, क्या घटनाक्रम रहा? देखिए मैं उस विधायक दल की बैठक में नहीं था, बाहर निकले हैं तो उन्होंने बताया कि वो चुने गए हैं। मैं उस बैठक, क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ इसलिए मैं उस बैठक में नहीं था। आप खुश हैं सैनी साहब के आने? हाँ कमाल की बात है, खुश क्यों नहीं, अपने कार्यकर्ता है। और आप सबसे बड़ी बात देखो, वो मैं समझता हूँ हम सबसे भी ज्यादा माननीय मनोहर लाल जी खुश होंगे कि उन्होंने उस कार्यकर्ता का निर्माण किया। आज वो कार्यकर्ता देखो बिल्कुल जमीन से उठकर आज प्रदेश के शीर्ष स्थान पर बैठा है। इससे बड़ा मनोहर लाल जी का कृतित्व क्या हो सकता है कि कार्यकर्ता का भी निर्माण किया। क्या वजह रही कि जो सनी साहब मनोहर लाल जी को बदलना? नहीं नहीं इसमें कोई वजह नहीं होती, इसमें पार्टी के डिसीजंस होते हैं, पार्टी का एक मैसेज। नहीं अनिल जी कोई नाराज होगी, मैं उनके साथ ही आया हूँ, मैं गाड़ी तक उनके साथ ही रहा। ये भी पार्टी डिसाइड करेगी, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड एक दो दिन के अंदर डिसाइड करेगी। अगर पार्टी कोई और स्वागत है उनका उन जैसा। अरे मैं कौन हो तो पकड़ के रखने वाला, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे को जब लड़ाया मेरा जिक्र भी नहीं था। तो कब छोटा हो जाए हमारी पार्टी में, कब बड़ा कोई नेता? नहीं वो शायद आपको पहले ही पता चल गया। नहीं नहीं मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे को अभी आपके नहीं नहीं कोई इसमें भी कोई छोटा बड़ा नहीं है। मनोहर लाल जी तो सबके बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। वो तो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पार्टी इतने निरंतर वर्ष चलने के बाद भी आज सब उनको सम्मान, जो बड़े हैं तो बड़े रहेंगे। गठबंधन तोड़ा इस मौके पे, चुनाव के मौके पे भाटिया जी, इसके राजनीतिक मायने कुछ अलग नहीं जाएंगे संदेश? देखिए गठबंधन तोड़ने वाली भी घोषणा मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, अभी आपके माध्यम आप सवाल जो पूछ रहे हैं मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है या चुनाव अलग लड़ने की बात की है, अभी तक ऐसी बात कोई सामने नहीं आई। अभी तो वो उनका बयान आएगा आधिकारिक रूप से। हमारा भारतीय जनता पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं तोड़ा। सैनिकों लाने की वजह क्या है? नहीं लाने के वो अपने कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अभी आप पूछेंगे कि मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी को लाने की क्या वजह है, या उधर से पूछेंगे राजस्थान भजन लाल शर्मा जी को लाने, कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी कोई दायित्व दिया जा सकता है। पार्टी संगठन में जो काम करें उनको सरकार में दिया जा सकता है, जो सरकार में काम करते हैं उनको पार्टी से। खट्टर साहब के होते हैं ये एग्जैक्ट मेरे को फिगर नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि अभी कोई जेजेपी ने भी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अनाउंस किया कि हम